हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी नाइस। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेसन अपना 8 है, जिसका 11th पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम काइंड्स ऑफ क्लॉथेस वी वियर इन समर एंड विंटर। इसमें यह बताया गया है कि हम समर में, गर्मियों के सीजन में, और विंटर मतलब ठंडे मौसम में किस प्रकार के कपड़े को पहनते हैं। चलिए आप देखते हैं, यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ। अब हम इसमें यह देखते हैं कि समर के सीजन में हम लाइट कलर का क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि क्या होता है, लाइट कलर जो होता है वह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण से हमें गर्मी नहीं लगती है। और इन विंटर वी यूजुअली वी आर डार्क कलर्ड क्लॉथ। अब हम ठंडे के मौसम में डार्क कलर का क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डार्क कलर जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण से हमें गर्मी लगती है, और हम विंटर के सीजन में डार्क कलर को पहनते हैं। ठीक है, अब यह इसको हम एक एक्टिविटीज़ के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या है, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। हम दो टिन कैंस लेंगे, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। अब एक को हम क्या करते हैं, एक वाइट सरफेस, जो आउटर जो सरफेस होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, और दूसरे के जो वाइट सरफेस होता है उसको हम वाइट कलर से पेंट करते हैं। ठीक है, पावर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब उसको हम क्या करते हैं, दोनों में इक्वल वाटर को भरते हैं, भरने के बाद उसको क्या करते हैं, सनलाइट में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या इसमें देते हैं, मिड डे मतलब बिल्कुल आपको पूरे आधे दिन के लिए या कुछ देर तक के लिए उसमें क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, आप देखिए, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब दोनों कैंस के जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आप इन दोनों कैंस के टेम्परेचर को जब फाइंड करते हैं तो क्या कुछ डिफरेंस पाते हैं? तो चलिए आप देखते हैं, इन यहाँ पे देखेंगे कि इन विच कैन इज द वाटर वार्म। अब जो कैन का क्या होता है, जो पानी गर्म हो जाता है वह क्या है, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस। अब इसको हम कैसे पता करते हैं कि किस कैन का पानी जो है गर्म है, तो इसको हम टच करके क्या करते हैं, पता कर लेंगे कि किस कैन का पानी जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो डार्क कलर का जो यहाँ पे कैन है, इसका जो पानी क्या होता है, जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जो लाइट कलर का जो कैन है, जिसमें जो वाइट कलर से जिसको हमने पेंट किया था, उसका वाटर जो है वह गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो डार्क कलर होता है वह क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से उसका वाटर जो होता है गर्म हो जाता है। और लाइट कलर जो होता है सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण से इसका पानी गर्म नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि डार्क कलर क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मी के सीजन में हम लाइट कलर को पहनते हैं, और ठंडे के सीजन में डार्क कलर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए हैं कि डार्क कलर और लाइट कलर को क्यों किस किस सीजन में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।